गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया। और आज यूनिक्स कमांड्स पे मेरा 20th वीडियो लेक्चर है। और मैंने फर्स्ट टू 20th वीडियो लेक्चर में ऑलमोस्ट सारे यूनिक्स के बेसिक कमांड्स को कवर कर दिया है, जो ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के इनिशियल प्रोफाइल के लिए यूनिक्स के ये कमांड्स सफिशियंट है। DBA पे अपना करियर बनाने के लिए यूनिक्स के ये सारे कमांड्स जो मैंने फर्स्ट टू 20th वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड किए हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि DBA के प्रोफाइल में आपको यूनिक्स के कमांड्स भी आने चाहिए। तो इन 20th वीडियो लेक्चर के अलावा अगर मुझे और भी यूनिक्स में कमांड्स मिलते हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो उन्हें भी मैं बीच बीच में यूट्यूब पे डालता रहूँगा। तो यूनिक्स कमांड्स के इस 20th वीडियो लेक्चर में हम टेलनेट और FTP कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमारे पास जो फर्स्ट कमांड है यूनिक्स में, वो है टेलनेट कमांड। तो आइए समझते हैं कि टेलनेट कमांड का क्या यूज है। तो टेलनेट कमांड का जो यूज है, इट इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन। तो एक ब्रांच से किसी दूसरे ब्रांच में या किसी रिमोट पे आप लॉगिन करना चाहते हो, तो यूनिक्स में हमारे पास टेलनेट कमांड है। तो सिंपली जो है, आप यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के टेलनेट कमांड को टाइप करेंगे और उसके बाद जहां भी आपको लॉगिन करना है उसका IP एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है, और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। तो आपसे सबसे पहले एंटर योर लॉगिन नेम, आपका जो है लॉगिन नेम पूछेगा, यूज़र ID पूछेगा। उसके बाद आप एंटर योर पासवर्ड, अपना पासवर्ड डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप रिमोट पे जा कर के लॉगिन हो जाएंगे। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है FTP कमांड। तो आइए समझते हैं कि यूनिक्स में FTP कमांड का क्या यूज है। तो FTP कमांड जो है, इट इज यूज्ड फॉर फाइल ट्रांसफर। तो FTP कमांड जो है, किसी रिमोट सर्वर पे लॉगिन करके आप लोकल सर्वर से किसी भी फाइल को किसी रिमोट सर्वर पे अपलोड कर सकते हो, और किसी भी रिमोट सर्वर से फाइल को आप अपने लोकल सर्वर पे डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए FTP कमांड को यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आप यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के FTP कमांड को टाइप करेंगे और उसके बाद IP एड्रेस, जिस भी रिमोट सर्वर से आप लॉगिन करना चाहते हो उसका IP एड्रेस या फिर डोमेन नेम को यहाँ पे टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। तो फर्स्ट टाइम में ये लॉगिन नेम पूछेगा कि एंटर योर लॉगिन नेम, आपको अपना लॉगिन नेम देना है। उसके बाद एंटर योर पासवर्ड, सेकेंड टाइम में आपका पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड डालना है। और पासवर्ड डालने के बाद जो है इस तरीके से आएगा, FTP ग्रेटर देन, इस तरीके से आ जाएगा। इसका मतलब कि आप FTP सर्वर में घुस चुके हो। उसके बाद अब मुझे कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है, तो वो फाइल कहाँ पे डाउनलोड होगी, तो अपने लोकल सर्वर पे मुझे एक पाथ, एक डायरेक्टरी पाथ को सेट करना है। तो डायरेक्टरी पाथ को सेट करने के लिए LCD कमांड को यूज करते हैं। तो LCD और ये मैं अपने लोकल सर्वर पे ये डायरेक्टरी का पाथ मैंने दिया है, /home/user/tmt, और उसके बाद मैंने एंटर को प्रेस कर दिया। तो ये कमांड क्या करेगा, सेट लोकल FTP फाइल डाउनलोड डायरेक्टरी बाय LCD कमांड। तो ये LCD कमांड क्या करेगा, लोकल सर्वर पे FTP फाइल डाउनलोड डायरेक्टरी को ये सेट कर देगा, और उसके बाद जो भी फाइल हम डाउनलोड करेंगे रिमोट सर्वर से लोकल सर्वर पे, तो फाइल विल बी डाउनलोडेड टू दिस डायरेक्टरी। तो वो फाइल जो है /home/user/tmt वाले डायरेक्टरी में जाकर के डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं एक फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फाइल को डाउनलोड करने के लिए गेट कमांड को यूज करते हैं।
तो मैंने FTP सर्वर पे जा करके मैंने गेट यहाँ पे टाइप करके और एक फाइल का नाम दिया है मैंने priya.txt, उसके बाद एंटर को प्रेस किया मैंने, तो ये कमांड क्या करेगा, कमांड इज यूज टू डाउनलोड सिंगल फाइल। तो गेट कमांड क्या करता है, सिंगल फाइल को डाउनलोड करता है। और कहाँ पे ये डाउनलोड करेगा, तो मैंने LCD कमांड से ऑलरेडी एक डायरेक्टरी का पाथ लोकल सर्वर पे सेट कर दिया है, /home/user/tmt। तो गेट कमांड जो है priya.txt फाइल को /home/user/tmt वाले डायरेक्टरी में ले जा करके डाउनलोड कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि एक नहीं, एक साथ मल्टीपल फाइल्स को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो mget कमांड यूज़ करेंगे और उसके बाद एक से ज़्यादा फाइल्स को यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर *.txt, इसका मतलब है कि .txt नाम से रिमोट सर्वर पे जितनी भी फाइल्स होंगी वो उन सारे फाइल्स को लोकल सर्वर पे /home/user/tmt वाले डायरेक्टरी में ले जा करके डाउनलोड कर देगा। या फिर यहाँ पे हम दो फाइल का नाम भी दे सकते हैं, priya.txt कोमा rajiv.txt, या फिर और भी कोई फाइल दे सकते हैं कोमा komal.txt। तो इन तीनों फाइल्स को क्या करेगा, /home/user/tmt डायरेक्टरी में ले जा करके mget कमांड डाउनलोड कर देगा। तो द कमांड इज यूज टू डाउनलोड मल्टीपल फाइल्स, तो ये मल्टीपल फाइल्स को डाउनलोड कर देता है, और डाउनलोड करेगा किस में, वो पाथ जो पाथ मैंने lcd कमांड से सेट की है, मतलब /home/user/tmt डायरेक्टरी में। अब मैं चाहता हूं कि अपने लोकल सर्वर से कोई फाइल मैं रिमोट सर्वर पे ले जा करके अपलोड कर दूं, तो उसके लिए मुझे रिमोट सर्वर पे किसी डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। तो एक रिमोट सर्वर पे एक डायरेक्टरी है रहीम, तो रहीम डायरेक्टरी में जाने के लिए cd कमांड को यूज़ करूँगा और उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा, तो इससे आप रिमोट सर्वर पे रहीम नाम के डायरेक्टरी में चले जाएंगे, और उसके बाद लोकल सर्वर से कोई भी फाइल आपको रहीम नाम के डायरेक्टरी में डालनी है तो लोकल सर्वर का उस फाइल का पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो उसके लिए पुट कमांड यूज करते हैं, यानी कि रिमोट सर्वर पे किसी भी डायरेक्टरी में लोकल सर्वर के किसी फाइल्स को उस रिमोट डायरेक्टरी में रहीम डायरेक्टरी में डालने के लिए पुट कमांड को यूज करते हैं। तो मैंने पुट कमांड यहाँ पे टाइप किया है, और लोकल सर्वर पे एक फाइल है file1.txt, उसका पाथ जो है वो है c:\files/file1.txt। ये लोकल सर्वर पे एक फाइल है, इसको रहीम नाम के डायरेक्टरी में, रिमोट सर्वर पे रहीम नाम के डायरेक्टरी में मैं अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैंने पुट के साथ इस पाथ को दे करके एंटर प्रेस कर दिया, तो कमांड विल अपलोड लोकल सिस्टम फाइल c:\files/file1.txt। तो इस लोकल फाइल को ले जा करके अपलोड कर देगा रहीम डायरेक्टरी में ऑन FTP सर्वर पे। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि FTP सर्वर से बाहर आ जाऊँ, क्विट करना चाहता हूँ मैं, तो उसके लिए क्विट कमांड को यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्लोज कमांड को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो क्विट या क्लोज कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस करना है, तो ये क्या करेगा, क्विट कमांड या क्लोज कमांड क्लोज द FTP कनेक्शन को, या FTP सर्वर से आप लॉग आउट हो जाएंगे। इस स्लाइड में अब देखते हैं कि FTP के और कौन कौन से कमांड्स हैं। तो जो फर्स्ट कमांड है वो है cd कमांड। तो cd कमांड जो है चेंज डायरेक्टरी ऑन द रिमोट मशीन। तो जब आप FTP के थ्रू रिमोट सर्वर पे लॉगिन करते हैं तो उस रिमोट सर्वर पे किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए cd कमांड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है lcd कमांड। तो lcd कमांड सेट डायरेक्टरी ऑन द लोकल मशीन। तो जहाँ से आपने लॉगिन किया है FTP में, तो उस लोकल सर्वर पे आप कोई डायरेक्टरी सेट करना चाहते हो ताकि आप रिमोट सर्वर से कोई भी फाइल डाउनलोड करो तो उसी डायरेक्टरी में फाइल डाउनलोड हो जाए। तो उस डायरेक्टरी को लोकल सर्वर पे सेट करने के लिए lcd कमांड को
यूज करते हैं। नेक्स्ट है ls कमांड। तो ls वही सिंपल कमांड है जो हम यूनिक्स में नॉर्मली यूज करते हैं, बट ftp कमांड के थ्रू, ftp के थ्रू जब आप रिमोट सर्वर पे लॉग इन करते हैं तो रिमोट सर्वर पे वहाँ की डायरेक्टरी में आप फाइल्स और डायरेक्टरी को चेक करना चाहते हैं तो वो ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। तो लिस्ट द नेम्स ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन करंट रिमोट डायरेक्टरी। तो रिमोट डायरेक्टरी में, रिमोट सर्वर में वहाँ के डायरेक्टरी में फाइल्स और डायरेक्टरी की लिस्ट को देखने के लिए ls कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। mkdir कमांड। तो क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी विदिन द करंट रिमोट डायरेक्टरी। तो रिमोट सर्वर पे आप कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो mkdir कमांड से क्रिएट कर सकते हैं। pwd प्रिंट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी ऑन रिमोट मशीन। तो रिमोट सर्वर पे आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए pwd कमांड को यूज करते हैं। डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड क्या करता है, रिमूव ए फाइल इन द करंट रिमोट डायरेक्टरी। तो रिमोट सर्वर पे किसी भी डायरेक्टरी में अगर किसी फाइल को रिमूव करना है तो उसके लिए। rmdir कमांड। तो रिमूव ए डायरेक्टरी इन द करंट रिमोट डायरेक्टरी। तो रिमोट सर्वर पे किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो उसके लिए rmdir कमांड को यूज करते हैं। गेट कमांड, कॉपी वन फाइल फ्रॉम द रिमोट टू द लोकल मशीन। तो लोकल मशीन पे किसी रिमोट सर्वर से फाइल को डाउनलोड करना है तो गेट कमांड यूज करते हैं। mget कमांड, कॉपी मल्टीपल फाइल्स फ्रॉम द रिमोट टू द लोकल मशीन। तो लोकल मशीन पे रिमोट सर्वर से मल्टीपल फाइल्स की कॉपी करनी है जो है डाउनलोड करनी है तो mget कमांड को यूज करते हैं। और पुट कमांड, कॉपी वन फाइल फ्रॉम द लोकल टू द रिमोट मशीन। तो लोकल सर्वर से कोई फाइल हम रिमोट सर्वर पे जो है अपलोड करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए पुट कमांड को यूज़ करते हैं। तो ये जो थे, ये सारे बेसिक कमांड्स थे जो एफटीपी के साथ यूज़ होते हैं। तो यूनिक्स कमांड्स का ये मेरा 20th वीडियो लेक्चर यहीं फिनिश होता है। अब जो वीडियोस आएगी उनमें मैं यूनिक्स कमांड्स को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। तो मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। थैंक यू।